1885 में आज एक दिन भारत के मशहूर वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का जन्म हुआ था। बोस भारत के मशहूर भौतिकविद और पादप क्रिया वैज्ञानिक थे। बोस ने कई किताबें भी लिखी हैं। सूक्ष्म तरंगों यानी माइक्रोवेव के क्षेत्र में वैज्ञानिक कार्य और अपवर्तन, विवर्तन और ध्रुवीकरण के विषय में अपने प्रयोग के लिए लघु तरंग धैर्य, रेडियो तरंगों और श्वेत और पैराबैगनी प्रकाश दोनों के रिसीवर में गैलेना क्रिस्टल का प्रयोग बोस के द्वारा ही विकसित किया गया था। मार्कोनी के प्रदर्शन से दो वर्ष पहले ही 1885 में बोस ने रेडियो तरंगों द्वारा बेतार संचार का प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन में जगदीश चंद्र बोस ने दूर से घंटी बजाकर बारूद में विस्फोट कराया था। 1917 में जगदीश चंद्र बोस को नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। १९३१ में आज ही के दिन मशहूर भारतीय इतिहासकार रोमिला थापर का जन्म हुआ था। पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद थापर ने लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज से डॉक्टर की उपाधि हासिल की है। भारत का इतिहास, अशोक और मौर्य साम्राज्य का पतन, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास विवेचना इनकी बेहतरीन रचनाएं हैं। 1982 में आज ही दिन ब्रिटेन की तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के दफ्तर में लेटर बम धमाका हुआ था। धमाके के वक्त थैचर अपने दफ्तर में ही मौजूद थी। हालांकि इस धमाके में उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर प्रधानमंत्री थैचर के नाम से एक चिट्ठी जैसे ही पहुंची, वहां मौजूद अधिकारियों को कुछ शक हुआ। पड़ताल करने के लिए एक अधिकारी ने जैसे ही लेटर बम खोला, उसमें ब्लास्ट हो गया और अधिकारी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मामले की जांच में पता चला कि वन्य जीवों के लिए काम कर रही एक संस्था एनिमल राइट्स मिलिशिया ने यह बम भेजा था। 1995 में आज के दिन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने उत्तरी आयरलैंड का दौरा किया था। उत्तरी आयरलैंड का दौरा करने वाले बिल क्लिंटन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे। क्लिंटन प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों पंथों को मानने वालों से मिले। लोगों को संबोधित करते हुए बिल क्लिंटन ने कहा कि अमेरिका और उत्तरी आयरलैंड शांति, सुरक्षा और प्रगति में एक दूसरे के भागीदार हैं। उनके दौरे के दो महीने बाद आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए लंदन में धमाका कर दिया था। IRA ने जुलाई 1997 में एक दफा फिर संघर्ष विराम की घोषणा की, लेकिन हिंसा जारी रही थी। आखिरकार 1998 में गुड फ्राइडे शांति समझौते के बाद दोनों पक्षों में समझौता हुआ। और 2012 में आज एक दिन भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का निधन हुआ था। गुजराल उस वक्त प्रधानमंत्री बने जब कांग्रेस की समर्थन वापसी के भय से संयुक्त मोर्चा सरकार ने नेतृत्व परिवर्तन की मांग स्वीकार कर ली। तब HD देवगौड़ा को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। देवगौड़ा ने 21 अप्रैल 1997 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसी दिन गुजराल को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। 1998 में कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और गुजराल अपदस्थ हो गए। इस तरह गुजराल करीब एक वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने से पूर्व गुजराल को केंद्र में राज्य मंत्री के तौर पर विभिन्न मंत्रालयों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। गुजराल ने संचार व संसदीय कार्य मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सड़क व भवन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली थी। इन्होंने राजनयिक के रूप में इंदिरा गांधी को अपनी सेवाएं भी दी थीं।